मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल में 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के तहत टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कैनोइंग प्रतियोगिता के ओवरऑल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि टिहरी बांध जलाशय में तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का सफल आयोजन हो रहा है। उन्होंने इसके लिए आयोजकों टीएचडीसी प्रबंधक समिति को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित करने वाले खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का भी यह प्रयास रहा है कि समय समय पर यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहें ताकि साहसिक खेलों के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके। इसके आगे सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जल्द ही खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इससे हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा पिथौरागढ़ जनसभा से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल की उद्घोषणा की गई, जिसकी मेजबानी करने का गौरव राज्य को प्राप्त हो रहा है। टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट। आने वाले सालों से जो लगातार यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएँ प्रारंभ हुई हैं, अन्य प्रतियोगिताएँ, अन्य साहसिक खेल वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर लगातार बढ़ना है। इसलिए पूरा टिहरी हमारा मुख्यालय टिहरी जनपद हर दृष्टि से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने खेल मैदान की भी और जो रोडों की भी और पंपिंग योजना की घोषणा की है कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के मामले में ये मील का पत्थर साबित होगी और इस प्रकार का विकास होगा। आप